से मौला, एक महीने से हमारा घर टूट रखा है शासन पर। शासन ने हमें कोई मदद नहीं कर रखी, हमने उनको सूचित किया था पर उन्होंने हमें कोई मदद नहीं कर रखी है। हम यहीं पर रह रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 107 गौरीकुंड, ये टोटी गांव, किलोमीटर 56,300। आरजीवीएल और एनएच की लापरवाही के कारण ये पूरा गांव काट दे। हले नवा कैमरा तो ये मैं ऐड हूँ चैनल नहीं होने ऐड द्वारा इस विषय पर कई बार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों व प्रशासन को अवगत कराया गया किंतु कोई नतीजा नहीं निकल पाया। आरजीवी कंपनी की लापरवाही व मनमानी से यह सब हो रहा है। पूर्व में भी कई बार कई घर तबाह हो चुके हैं। ये प्लास्टिक हटा दो। हटाओ पूरा, खोल दो। यहाँ से करो, इस विषय पर जिला अधिकारी महोदय को भी अवगत कराया गया। घर आपदा की भेंट चढ़ चुका है किंतु प्रशासन के द्वारा हमारी रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
करने से हमारा घर टूट रखा है। शासन पर शासन ने हमें कोई मदद नहीं कर रखी। हमने उनको सूचित किया था पर उन्होंने हमें कोई मदद नहीं कर रखी है। हम यहीं पर रह रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं मीना देवी चमोरा, हमारा घर एक महीने से टूट रखा है। हमने शासन पर शासन से रिक्वेस्ट की और एक महीने से कोई मदद नहीं है हमारे लिए। हम विगत मौत से मरने वाले हैं। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हो? अभी जैसे ये मंजर दिख रहा है, मुझे तो आंसू निकल रहे हैं ये देख करके। अभी आप लोग कहाँ रुक रहे हो, कहाँ? अभी हम अपने घर पे हैं। कोई व्यवस्था नहीं, हमें कोई व्यवस्था नहीं दे रखी है शासन पर शासन ने। हमारे घर का बुनियाद टूट रखा है और हम मर सकते हैं कभी भी। तो आपको रहने की कोई व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है? अच्छा जी, ये सब दिखता है, ये टारपोलिन, ये टारपोलिन बिछ रखे हैं। इसमें लगभग 6 इंच 1 फीट की दरारें हैं और ये मंजर है। मंजर ये है कि आंगन के पेड़ जो हैं वो ऐसे निकल गए, पूरी जमीन सिंक हो रही है। यहाँ का मंजर बड़ा भयावह है और इन लोगों को ये कभी मरें या बचें, इनको ये डेमोक्रेसी नाम है। क्योंकि प्रशासन तंत्र जो है सब VIP हेली सेवा में लगा हुआ, ये बादल उड़ रहे हैं, इसके बावजूद भी अंधेरे, विजिबिलिटी जीरो है, उसके बावजूद भी हेली उड़ रहे हैं। सब चीज़ चल रहा, महत्वपूर्ण लोगों के लिए स्थान है, किंतु ये परिवार, इन परिवारों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये कोरकी गांव है, राष्ट्रीय राजमार्ग 107, किलोमीटर 56-300। यहाँ पर RGBL के कंपनी जो यहाँ सड़क का निर्माण कर रही है, लापरवाही के कारण विगत दो या तीन वर्षों के यहाँ पे कटिंग की हुई, और यहाँ पे जो गैबिन वाल दी वो सिर्फ खाना पूर्ति की गई है और उसकी गुणवत्ता के मानकों को ध्यान में रखते हुए ऐसी गैबिन दी गई जो टूट रही हैं। और यहाँ इसी कारण यहाँ पर दो मकान पिछले वर्ष ध्वस्त हो चुके हैं और वर्तमान में 3 मकान जिनका आंगन और घर का बुनियाद बिल्कुल खतरे में है, जिसका मैं एक वीडियो भी जिलाधिकारी महोदय रुपये को भेज चुका हूँ। और ये दशा बनी हुई है और अभी तक जो भी पीड़ित परिवार हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है रहने के लिए।